साथी हाथ बढ़ाना। हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मोटिवेशनल पोएम जो निश्चित रूप से हमें एक साथ रहने की प्रेरणा देती है, एक साथ रहकर हमें एकता की शक्ति को पहचानने का मौका देती है। एक ऐसी सुंदर कविता जिसका शीर्षक है लेट्स सिंग एंड डांस, जिसे जेन निग्रो साहब ने लिखा था और अपने जीवन में जो भी उन्होंने अर्जित किया उसे एक सुंदर कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। हालांकि ये थर्ड क्लास में चैप्टर वन में एकेडमिक कोर्सेज में स्टडी कराई जा रही है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यह कहाँ स्टडी कराई जा रही है। फर्क पड़ता है कि इस कविता का जो सार है कराई जा रही है फर्क पड़ता है कि इस कविता का जो सार है, इस कविता का जो मर्म है, क्या हम बच्चों को, क्या हम बड़ों को एकता की शक्ति के सूत्र में बांधने के लिए प्रेरित करता है या नहीं। टीम वर्क टूगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी शैल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन। ऐसी सुंदर सी पंक्तियां जो हमारे नेग्रो साहब के हृदय से निकल कर आई, जिसने जनमानस को अपने समय में बहुत प्रेरित किया और लेखक जगत में, साहित्य के जगत में, कवियों के जगत में इस कविता को बहुत सराहा गया था। यह सुंदर सी कविता हमारे समक्ष हमको एक नया रास्ता देने के लिए, हमें एकता की शक्ति बताने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। मैं उनके शब्दों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। चलते हैं हम सीधे पोएम पर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। टीम वर्क टूगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी शैल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन। अपने जनमानस को, इस मानवता को समर्पित इस पंक्ति के साथ कवि वर कहते हैं, हमें एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। टीम वर्क हमें एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए, एक समूह की शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। टूगेदर एक साथ मिलकर, वी कैन मेक हम बना सकते हैं आवर ड्रीम वर्क, अपने कार्य को, अपने सपनों का कार्य बना सकते हैं। यदि हम एक साथ मिलकर अपनी शक्ति को अर्जित कर यदि किसी भी कार्य को करते हैं तो वह कार्य नहीं बल्कि वह हमारे सपनों का कार्य बन जाता है, उससे हमारे सपने साकार होते हैं। Then we shall share the joy, और तब हम अपने जीवन के आनंद में प्रतिभागी होते हैं। Of what we have done, अपने जीवन में एक साथ मिलकर जो कुछ भी कार्य हमने किया है, जो सफल हो गया है, उस सफलता को जब हम एक दूसरे के साथ प्रतिभागी बनकर आनंदित होते हैं, तब हमारे जीवन का सार हमें जीवन की सच्चाई की ओर लेकर जाता है। टीम वर्क एवरीवन। कविवर कहते हैं, हम सभी को एक समूह के रूप में, एक समूह के साथ मिलकर ही कार्य करना चाहिए। गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपके अध्ययन की सरलता के लिए, पोइम को ठीक से समझने के लिए मैंने फिर वही टेक्निक आपके लिए यूज की है जो इससे पहले पढ़ाए गए कविताओं में यूज की गई है। वो क्या है कि मैंने प्रत्येक लाइन को उसके कलर के साथ मैच कर दिया है। रेड कलर लाइन का जो ट्रांसलेशन है वो नीचे कवि कहता है कि हमें एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए, ये इस लाइन का हिंदी अनुवाद स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार ब्लू कलर लाइन को भी हमने यहाँ हिंदी अनुवाद करते समय ब्लू लाइन में ही कन्वर्ट किया हुआ है। इसी प्रकार से हम इस कलर को देख सकते हैं, एंड देन नीचे जो कलर दे रखे हैं इसको भी हम देख सकते हैं कि हमने दिए गए स्टेंजा के प्रत्येक लाइन को उसके कलर को मैच करते हुए उसके हिंदी अनुवाद को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि यह कविता आपको सही से समझ में आ जाए। चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट स्टेंजा पर। It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots.
and the rally race just can't go on if nobody wants to pass the baton. It's fun to shoot the basket ball through the hoop. कभी आगे कहते हैं कि यह बास्केटबॉल को एक घेरे से बाहर फेंकने का एक मनोरंजक खेल है। कैसा खेल है ये? यह एक बास्केटबॉल को एक घेरे से बाहर फेंकने का मनोरंजक खेल है जो हमें आनंद प्रदान करता है। But if nobody passes, then nobody shoots. And the rally race just can't go on if nobody wants to pass the baton. But if nobody passes, then nobody shoots. लेकिन यदि कोई बॉल को एक दूसरे के लिए देगा ही नहीं, nobody passes, कोई भी देगा ही नहीं, then nobody shoots. तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको हिट नहीं कर सकता है. And the rally race just can't go on. और यदि कोई बॉल पर छड़ी प्रहार ही नहीं करेगा, if nobody wants to pass the button, तो यह दौड़ लंबे समय तक नहीं चले रह सकती है. चलते हैं थर्ड स्टेंजा पर. We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. चनी साहब कहते हैं, we are the parts, हम एक प्रतिभागी हैं, that make up the whole, जो किसी कार्य को पूर्ण करते हैं. किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो हमने एक ग्रुप बनाया है, हमने जो एक टीम बनाई है, हम सब उसमें प्रतिभागी हैं. एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन ए कॉमन गोल. वी हैव गॉट आवर आईज, हम अपने पूरे ध्यान को लगा देते हैं, हम अपनी दृष्टि को लगा देते हैं, हम अपनी आंखों को लगा देते हैं. कहां? ऑन ए कॉमन गोल. कहां लगा देते हैं बच्चों? ऑन ए कॉमन गोल, एक ही लक्ष्य पर. कॉमन गोल, एक ही लक्ष्य पर जब हम अपनी पूरी दृष्टि लगा देते हैं सब मिलकर. समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस, तो कभी कभी यह बहुत उत्साहवर्धक कार्य होता है और हमारे कार्य को सफलता की ओर ले जाने के लिए एक कुंजी का कार्य करता है. सो हे मेरे प्यारे बच्चों, हमें जीवन में हमेशा एक टीम वर्क के रूप में कार्य करना चाहिए और टीम की ताकत को समझना चाहिए. When you or in me, जब तुम और मैं, becomes in us, जब तुम और मैं दोनों मिलकर हम बन जाएं, जब तुम और मैं दोनों मिलकर हम बन जाएं, उस समय हमें समझ लेना चाहिए कि अब हम एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं, अब हम एक समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम एकता की शक्ति को पहचान गए हैं. इसीलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, जब से सृष्टि निर्माण हुआ है, जब से मानवता का निर्माण हुआ है, जब से प्राणी जगत का निर्माण हुआ है, इस बात को हमेशा से कहता जाता रहा है. चाहे हम इसे स्पष्ट रूप से किसी से कहें या ना कहें, लेकिन हम सबके मन में हमेशा यही छुपा हुआ है. मिलकर जोर लगाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना. ये थी आज की आपकी कविता, जिसे हमने समझा और जाना कि एकता में वो शक्ति होती है जिसके सामने हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं. गाइस, इस सुंदर सी कविता को स्टडी करने के बाद हम आपसे फिर से वही बात कहेंगे कि आप सभी अपने जीवन में सफल हों. इस वीडियो के माध्यम से जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है उसे आप बड़े ध्यान से समझें और अपने जीवन की सफलताओं के लिए इसका इस्तेमाल करें. गाइस, यदि यह छोटी सी वीडियो जो हमें एकता की रास्ते पर लेके आने की पूरी कोशिश करती है आपको समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों में, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा. टिल देन, सी यू.